कौन है स्लेंडरमैन? क्या स्लेंडरमैन रियल में होता है? इस वीडियो में आप जानोगे स्लेंडरमैन और उससे जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में। दरअसल स्लेंडरमैन की पहली फोटो 10 जून 2009 में आई थी, जब एरिक न्यूटसन नाम के एक फोटोशॉप आर्टिस्ट ने एक नॉर्मल फोटो को समथिंग ऑफुल वेबसाइट के फोरम के लिए एडिट किया था। एक्चुअली एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जहां पार्टिसिपेंट्स को पैरानॉर्मल इमेजेस बनानी थी, तो एरिक ने इस पर्टिकुलर फोटो को एडिट करके ऐसा बना दिया था। और क्योंकि ये फोटो काफी रियल लगती है, तो धीरे धीरे कुछ लोग स्लेंडरमैन को रियल मानने लगे। एरिक की ये फोटो वायरल हो गई और फिर स्लेंडरमैन को काफी फोटोज, वीडियोस और गेम्स में देखा जाने लगा। इन शॉर्ट स्लेंडरमैन को एक अर्बन लेजेंड कहा जाने लगा। बस एक एडिट किए हुए फोटो को लोग सच मानने लगे और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो फेक स्लेंडरमैन की कहानियों और फोटोज को इंटरनेट पे डाले हैं। 31 मई 2014, इस दिन दो 12 साल की लड़की मॉर्गर गेइसर और एनिसा वियर ने अपनी दोस्त पेटन लुएटनर को एक सुनसान जंगल में बुलाया, जहां उन दोनों ने पेटन पर 19 बार चाकू से हमला किया। खुशकिस्मती से पेटन बच गई और उन दोनों लड़कियों को मेंटल असाइलम भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेटन की इतनी भयंकर तरीके से जान लेने की कोशिश क्यों की गई? क्या उन दोनों की पेटन से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो दो लड़कियां बल्कि स्लेंडरमैन को खुश करना चाहती थी और अपने फैमिलीज को स्लेंडरमैन से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो दोनों एक ऐसे को खुश करना चाहती थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए अभी कह देता हूं यारो, किसी भी बात को इतनी जल्दी सच मत मानो, और जो सच है उसे एक्सेप्ट करना भी सीखो। ये सायरन हेड पार्ट 3 में भी जब मैंने क्लियरली ये बात बोल दी है कि सायरन हेड रियल में नहीं होता है, तब बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलने लगे कि सायरन हेड होता है। अब बोलो कहां होता है? नहीं, अगर आपको लगता है कि सायरन हेड रियल में होता है तो कहां होता है? मतलब कुछ भी याद तो होगा ही, बचपन में हम ये सुनते थे कि पेंसिल के वेस्ट को दूध में ढालने से रबर बन जाता है। आय हाय, पता नहीं इस चक्कर में कितना दूध वेस्ट हुआ और मम्मी की कुटाई अलग। चलो थोड़ा स्लेंडरमैन के बारे में जानते हैं। स्लेंडरमैन एक मेलेवोलेंट डेमन है जो लोगों को हार्म पहुंचाता है। स्लेंडरमैन को इंसानों को किडनैप करना और साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज करना पसंद है। ये ज्यादातर मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है, हालांकि ये पता नहीं चला है कि वो किडनैप किए हुए बच्चों का क्या करता है। पर माना ये जाता है कि या तो वो अपने शिकार को मार देता है या फिर उन्हें किसी और डायमेंशन में ले जाता है। कहानियों की दुनिया का स्लेंडरमैन बहुत शक्तिशाली है, और सच तो यही है कि स्लेंडरमैन रियल में नहीं होकर भी वो जो चाहता था वो ही हुआ। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और कहानियों का स्लेंडरमैन यही तो चाहता है। 2018 में स्लेंडरमैन की एक मूवी रिलीज हुई और मूवी का नाम स्लेंडरमैन ही है। तो जब ये फिल्म अनाउंस करी गई तो बहुत लोगों को लगा कि 2014 वाले इंसिडेंट्स दिखाए जाएंगे मूवी में, और इसीलिए काफी लोग इस मूवी को लेकर गुस्सा थे। फिर फिल्म के डायरेक्टर सिल्वेन वाइट और प्रोड्यूसर्स को ओपन में आके ये क्लियर करना पड़ा कि मूवी की कहानी काल्पनिक है और इसका 2014 वाले घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, और यार आप सब ना बड़े बदमाश हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते। मुझे जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और आप लोगों के बिना ये इम्पॉसिबल है, तो प्लीज यारो सब्सक्राइब मारो। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो लेकर।